हेलो फ्रेंड्स, देखो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ओला में ऑटो क्लिकर के इस्तेमाल से अपनी बुकिंग को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में। आजकल ओला ऑटो में बहुत सारे लोग ऑटो क्लिकर यूज़ करके अपनी बुकिंग को बढ़ा रहे हैं, खास करके नए लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो कैसे अपनी बुकिंग बढ़ानी है चलो दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ऑटो क्लिकर। ठीक है, जिसमें फिफ्थ नंबर पे जो ऑटो क्लिकर आ रहा है वही डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं उसी की सेटिंग बताने वाला हूँ और वही अभी मार्केट में सबसे अच्छा वाला है। ठीक है, इसका कोई चार्जेस नहीं होते हैं, एकदम फ्री रहता है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया है तो। इसको ओपन करेंगे तो कुछ सेटिंग होती है, एक्सेसिबिलिटी मेनू जो है वो यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ठीक है, सब फ़ोन में थोड़ा सा अलग अलग जगह पे एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ रहता है, देख लेना एक बार, नहीं समझ में आता है तो ये सोनल पे जो ऑफिस है अहमदाबाद में, सोनल 4 रास्ता पे, वहाँ पे आ जाना, मैं बता दूंगा एक बार। ठीक है, ये एक्सेसिबिलिटी मेनू ऑन होना चाहिए। फिर नीचे ऑटो क्लिकर डाउनलोड में जाते हैं तो यहाँ पे ऑटो क्लिकर आता है, ये भी ऑन होना चाहिए। देखो ये ऑफ होगा तो भी नहीं होगा, अगर ऑफ है तो ऑन कर देना। ठीक है, आप जैसे इनेबल के ऑप्शन में जाओगे ना तो वहाँ पे ऑन करने का ऑप्शन आता है, तो वो ऑन कर देना है। ठीक है, दो बार इनेबल का ऑप्शन आएगा, दोनों बार इनेबल कर देना है शुरू में ही। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग क्या है, ये मिली सेकेंड जो है ना वो अलग कर देना है, और उसमें सबसे कम जितना हो सकता है उतना कर देना। ठीक है, सबके अलग अलग रहता है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ खाली 10। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मिनिमम 300 होगा। ठीक है, और यहाँ पे लोगों के कभी दो दो भी हो जाता है, 10 से कम भी नहीं होता है, 10 से कम कुछ लोगों के हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कर देना। ठीक है, फिर इसको क्या कर देना है, यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में एक बटन आ जाएगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड में एक बटन आया, देखो ऊपर नीचे करो ये। ठीक है, सबसे नीचे क्रॉस है, उसके नीचे जो है ना 4 बार जो एरो दिखे हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो, जहाँ आपको रखना हो वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अगर उस पर क्लिक करोगे तो ये बटन जो है एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, इतना छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से एकदम साइड में रख देना है, जिससे हमको बुकिंग उठाने में तकलीफ ना हो। ये अभी बंद है। ठीक है, इसको मिनिमम एक पॉइंट होना ज़रूरी है, यानी एक क्लिक होना ज़रूरी है। ये प्लस वाला जो दिख रहा है वहाँ से आप एक क्लिक ला सकते हो, एक से ज़्यादा भी क्लिक सेट करते हो प्लस पे क्लिक करके, एक से ज़्यादा क्लिक भी सेट कर सकते हो। मैं प्लस पे रख के एक बटन लेके आता हूँ, ये प्लस किया, देखो ये एक बटन आ गया, दिख रहा है ये मूव कर रहा है, ये एक बटन, ये बटन जहाँ पे हम रखेंगे वहाँ पे ऑटो क्लिक होगा। ठीक है, ये इसको जहाँ सेट रखना है या इसको कहाँ सेट करना है, इसको जहाँ पे बुकिंग आती है वहाँ सेट करना है। देखो ये बुकिंग है, बुकिंग का डिस्प्ले है, मेरे पास अभी लाइव एप्लीकेशन नहीं है इसलिए मैं फोटो देख रहा हूँ, तो इसको कहाँ सेट करना है, ये ओके जहाँ आ रहा है ना वहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अभी ये बंद है, चालू नहीं है। ठीक है, अब इसको चालू करने के लिए सबसे ऊपर देखो प्ले पॉज का बटन आ रहा है, ये प्ले, ये पॉज हो रहा है, देखो लेफ्ट में ऊपर दिख रहे हो, प्ले पॉज हो रहा है सबसे पहला बटन, ये जो साइड में नया बटन आया है जो हम मूव कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर जो प्ले पॉज का है ना, यहीं से ही अपना काम होगा। ठीक है, ये प्ले हो गया, ये पॉज हो गया। ठीक है, अभी ये बंद है, एक क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो गया, जब ये प्ले होगा बुकिंग आएगी, ऑटोमेटिक बुकिंग उठ जाएगी। ठीक है, ये बंद हो गया, समझ गए, इस तरीके से ही करना है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, आप इस्तेमाल करोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक खास चीज़ याद रखना, ये जैसे ही बुकिंग एक्सेप्ट हो जाती है ना, इसको पॉज कर देना है, यानी कि बंद कर देना है, वरना क्या होगा, फ़ोन हैंग होने लगेगा, आपको कोई और काम नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन में एक जगह पर एक बार में एक ही क्लिक होता है, ज़्यादा क्लिक करने की कोशिश करेंगे फ़ोन हैंग मारेगा। देखो अभी ये पॉज कर दिया मैंने, जैसे बुकिंग एक्सेप्ट कर ली तो, ठीक है, ये बंद कर दिया। अब अपने क्या है, ये आगे पीछे मतलब जो भी कहीं भी क्लिक करना है वो कर सकते हैं, जब ये चालू होगा तब नहीं कर सकेंगे, तब बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कैसे जाना कैसे नहीं जाना समझ में नहीं आएगा, तो इस तरीके से इस्तेमाल करना है, बहुत ईजी है, आ जाएगा आपको। ठीक है, नहीं समझ में आए तो एक बार ऑफिस आ जाना।